हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी RBL। और यहाँ पे मैंने आज की शुरुआत की है सुबह की पूजा से। तो मैं नहा धुल के सब कुछ करने के बाद यहाँ कर रही हूँ सुबह की पूजा। तो पूजा लगभग मेरी आधी हो गई थी। उसके बाद मेरा बेटा था और बेटे ने भी बीच में मतलब वीडियो बनाना शूट कर लिया था। तो सुबह इतनी जल्दी रहती क्योंकि नहा के बस बाथरूम में जो भी मतलब ये कपड़े जल्दी से पहन लो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे आपको मालूम है सुबह मॉर्निंग में हम लोगों की काम बहुत ज़्यादा। और आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ। तो दोस्त, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ लोग इतना ज़्यादा परेशान किए, इतना ज़्यादा हद हो गई। अब तो बस हाथ जोड़ के भगवान से यही विनती है कि भगवान ऐसे दिन ना किसी को दिखाओ, ऐसे दिन मत दिखाओ। मतलब इंसान की हद हो गई हर एक चीज़ की। आज 3-4 महीने से एक, और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हो मैं काट कर रही हूँ सब्जी क्योंकि पूजा उजा करने के बाद मैं आई किचन में और यहाँ पे मुझे सब्जी मतलब कट कर रही हूँ। स्पीड मैंने बढ़ा दी थी, लौकी की सब्जी है। और सुबह की लगभग वही 5 बजे होंगे, और 5 बजे और क्योंकि मैंने पूजा बहुत जल्दी कर ली थी तो 5 बजे थोड़ा थोड़ा देखो खिड़की से दिख रहा उजेला टाइप का हो जाता है। और बीच का मैंने मतलब लौकी के जो बीच का था सब कट कर दिए, तो स्पीड बढ़ा दिए हैं। साथ में मैं नाश्ता भी बनाती जा रही हूँ। इधर दलिया मेरी पक रही और ये छोटा सा मोबाइल मैंने लगा दिया था चार्जिंग में। और लाइट देखो डिम 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 ऐसे करके हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था, सारा काम करना था, सब कुछ करना था दोस्तों। और फिर उसके बाद क्योंकि इस साइड ये पक रहा था, मैंने सोचा चलो गैस में रख देती हूँ तो इस साइड गैस का होता जाए, गैस में पकता जाएगा। और ये इधर सब्जी उब्जी मैंने धुल लिया है। और दोस्तों मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। बस आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब कोई अपना किसी को इतना इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है तो सामने वाला इंसान हमेशा यही सोचता कि भगवान कहाँ गलती हो गई थी, कहाँ किस कारण से हमें ये गलती हुई थी। अच्छा यहाँ पे मैं साथ में एक्सरसाइज भी करने लगा। अच्छा मेरा फिर मैंने सब्जी उब्जी सब डाल वाल दी थी, खाना वाना बन गया है। फिर मैंने कहा चलो साथ में बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। तो जो भी बर्तन बचे हुए थे, तो दोस्तों आज बताऊँगी कि लव मैरिज शादी के बाद इंसान को कितनी ज़्यादा मजबूरियाँ झेलनी पड़ती है। इंसान थक जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है। वो यही सोचता है कि मुझे काश ये दिन ना देखने को मिलते। तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि मैं किसके बारे में आपको पूरे पूरे सब कुछ डिटेल से ही बताऊंगी कि इंसान को इतना ज़्यादा मजबूर नहीं करना चाहिए कि इंसान अपने आप में ही खो जाए। बताओ जब ऑर्डर मिल गया है कि आप साथ में रहो, सुलझा लो सारी मसलों को, मगर वो इंसान इस मसले को सुलझाने के लिए तैयार ही नहीं। उसको पड़ी है अलग रहने के लिए, अलग रहते दूसरों के साथ में रहता है, कितना कितना ज़्यादा रोती है, कितना ज़्यादा। और एक बच्चा भी है, बताओ एक बच्चे के साथ एक माँ अकेली रहती, अपने बच्चे को सेवा करती है। आज के युग में वो लव मैरिज शादी तो की है, मगर लव मैरिज शादी करने के बाद उस बच्चे का बाप हो कम से कम उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, मगर उस इंसान को नहीं पड़ी है दोस्तों। वो इंसान इतना ज़्यादा वो है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो भी बिस्तर वगैरह थे वो सब मैं रखने लगी हूँ क्योंकि बिस्तर सब सही करके रख देंगे। और
क्योंकि मैंने चेंज की है बेडशीट दोस्तों। और बेडशीट चेंज करना मतलब हम हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर, दूसरे दिन तो मुझे चेंज ही होता नहीं दूसरे दिन, तो तीसरे दिन हर हालत में मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी रहते, थोड़ा गंदा भी हो जाता और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के बाद ये जो बेडशीट मैंने निकाली थी इसको मैं भिगो रही हूँ। तो दोस्तों इसमें मैं कई दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ छोटा छोटा करके, क्योंकि ब्लॉग तो मेरे पास बने थे मगर मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने आप लोगों से बताया इस समय मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने चली जाती हूँ अपने दोनों बच्चों को भी देखती हूँ, घर भी देखती हूँ, परिवार भी देखती हूँ। तो यही सब है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्कार, और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5:05 हुआ, यानी 10 होने वाला है। मैंने झाड़ू मार ली, कूड़ा भी बाहर कर दिए, बाकी अब वो जाती हूँ किचन में बनाना है बच्चे के लिए लंच, और बेटू बिट्टू दोनों लोग अभी सो रहे हैं, तो जाती हूँ किचन में और जाके काम करती हूँ, क्योंकि हमेशा का काम है हम औरतों का दिन का शुरू हो जाता। तो आप लोग कैसे, आई होप आप लोग भी मज़े से होंगे। आप लोग कह दो ना दीदी आप कितना टाइम जगते हो, कभी मैं 4 बजे जग जाती कभी 5 बजे, तो आज मैं 5 बजे जगी हूँ, 5 बजने में 5 मिनट बाकी। चलो किचन में बनाती हूँ बेटे के लिए लंच, और बिट्टू को देखो, ये बिट्टू आज श्री कृष्ण बन के जाएंगे, उनका खाना वाला कपड़ा, बल्कि मतलब फुल जो था श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण भगवान का पेट मतलब ऐसे खुला रहता है, मगर उसको पेट खुला वाला पसंद नहीं था, इसलिए हमने उसके लिए फुल लाया, वो पैम मान ही नहीं रही थी, तो हमने कहा चलो खुल ले। तो चलो दोस्तों मिलती हूँ कुछ देर बाद, और ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग का आना लीजिएगा बच्चे भी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि मैं आप लोगों के साथ 2-3 दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो वही है 2-3 दिन का मैं छोटा छोटा ऐड करके ही इसमें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि मेरा सेकंड चैनल की जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, यानी कि मेरे सेकंड चैनल में ऐड आना शुरू हो गया, मेरा पिन आ गया है, क्योंकि पहले तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही थी कि प्रॉब्लम क्या है, मगर वो पिन की वजह से मेरा ऐड बंद कर दिया गया था दोस्तों, मगर अब हमारे उसमें ऐड भी आना शुरू हो गए। और हाँ ये मानते हैं कि आज 3 महीने से मेरे के ऐड नहीं आए थे, कुछ भी अर्निंग नहीं हुई, मगर कोई बात नहीं, मैंने सोचा था कि चलो मानो कि मेरा चैनल मोनो ही अभी नहीं हुआ, मगर मैं वीडियो डालती थी, रोज़ नहीं डालती थी उसमें वीडियो, जैसे 2-3 दिन में 4 दिन में, तो यह है कि वीडियो का उतना अच्छा रीच नहीं है, क्योंकि जब हम बराबर कोई काम नहीं करते हैं तो बराबर रीच नहीं रहता। और दोस्तों अब जो मैंने बात बताई कि बताओ एक छोटा सा बच्चा लेके एक औरत परेशान है, उसके पास 3 साल का बच्चा है दोस्तों, वो मेरी फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान, वो YT में इस वजह से नहीं आती कि कहीं मेरे पति को पता चलेगा तो। आज हम लोग लेट है तो ये भी लेट आ, आज हम लोग लेट आए तो ये भी लेट आए, बहुत सारी गाय भैंस है ना, वीडियो बना रहे हैं, अब आज मोबाइल लाए थे कि आज क्या बनाएंगे, एक के साथ एक के पीछे 2-3 बछड़े लगे क्या पी रहे हैं एक ही में, शुद्ध दूध। तो
दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो मैं लेने गई थी दूध, मैं जहाँ दूध लेने जाती हूँ वहीं का वीडियो शेयर की हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड, और कल मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मस्त स्वस्थ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि